हाउ टू स्टडी इन लातविया, यूरोप का स्मॉल कंट्री अच्छे एजुकेशन सिस्टम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस अकरम, यूनिवर्सिटीज़ पे डॉट कॉम की तरफ से। हमारा कंसल्टेंसी चैनल है जिसमें हम स्टूडेंट और विज़िट वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मज़ीद वीडियोज़ टाइमली मैनर्स में मिलती रहें। आज मैं आपको बताऊँगा यूरोपियन कंट्री लातविया के बारे में और वहाँ एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। लातविया और रिपब्लिक ऑफ लातविया। लातविया का कैपिटल रीगा है और सबसे बड़ा सिटी भी है। लातविया की लैंग्वेज लातवियन है और करेंसी यूरो है। लातविया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और शेंजन वीज़ा प्रोवाइड करता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप 26 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और इसके साथ साथ लातविया का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। लातविया में एवरेज वेदर समर में 5 to 15-16 डिग्रीज़ के दरमियान रहता है और विंटर में -6 to -8 के दरमियान रहता है। लातविया फेमस है नेचुरल लैंडस्केप्स, सी बीचेस और अमेजिंग आर्किटेक्चर की वजह से। लातविया की जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, वुडन वर्क, लकड़ी से बने हुए डिफरेंट जो आर्किटेक्चर हैं वो लातविया में बहुत फेमस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप लातविया में एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। नॉर्मली लातविया में पेड एजुकेशन है, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एवरेज फ़ीस जो है वो बहुत कम है। नॉर्मली ईयरली एवरेज फ़ीस 1000 यूरो से लेकर 4 to 5000 यूरो है, तो जो कि आप कवर कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ लातविया में एजुकेशन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। लातविया में एजुकेशन के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं। स्टडी गैप एक्सेप्टेड है, पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, वर्क वीकली 20 आवर्स, जिसके थ्रू आप काम करके अपने एक्सपेंसिस को मीट कर सकते हैं ईजीली। ओवरऑल लातविया में लिविंग कॉस्ट जो हैं वो भी काफ़ी लो हैं यूरोप के अदर कंट्रीज़ की नस्बत, और ग्रेजुएशन के बाद आपको वर्क परमिट भी प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ लातविया में इनटेक्स और क्राइटेरिया के बारे में। लातविया की दो इनटेक्स हैं, सितंबर और जनवरी फरवरी। क्राइटेरिया, बैचलर्स के लिए आपकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 60% होने चाहिए। बैचलर्स के लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन 16 इयर्स होनी चाहिए और आपके जो स्कोर्स हैं वो 65%+ होने चाहिए। पीएचडी के लिए आपकी एजुकेशन 18 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी जो सीजीपीए 2.5 से अबव होनी चाहिए। लातविया में जो कॉमन मीडियम है इंस्ट्रक्शन पढ़ाने का वो इंग्लिश है। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से। पासपोर्ट, पिक्चर्स, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर्स, आपके स्टडी डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड फॉर्म में, FRC, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, बैंक स्टेटमेंट, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा जो इशू है, लातविया की जो है डायरेक्ट एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, उसके लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ताशकंद या दुबई किसी नियरेस्ट कंट्री में फ़्लाई करना पड़ता है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपके पास सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर लिखी होती है। अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई है, प्रोसेस का पता चल गया है, आप यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। इस सूरत में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे रابطہ करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और उनमें किसी चीज़ की भी चेंजिंग की ज़रूरत होती है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है हम आपको वो हासिल करने में भी हेल्प करेंगे। शुक्रिया।